नमस्ते दोस्तों, अर्न आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे होठों से जुड़े हुए रोगों के बारे में। होठों के रोग, इसमें होठों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि एक्जिमा, होठों पर फंगस, होठों पर सूजन, होठों पर मुहासे, होठों का फटना आदि। एक्जिमा ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कई वजह से हो सकता है। इसमें जेनेटिक्स, मौसम में बदलाव, धूल मिट्टी से एलर्जी, खराब पानी पीना, घरेलू जानवरों से एलर्जी और हार्मोन के उतार चढ़ाव शामिल हैं। एक्जिमा का इलाज दवा और क्रीम से किया जा सकता है। होठों पर फंगस आमतौर पर कोई समस्या पैदा नहीं करता, लेकिन कुछ स्थितियों में यह संक्रमण का कारण बन सकता है। ये उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जो खराब फिटिंग वाले डेंचर पहनते हैं या मुँह के कोनों को चाटते या रगड़ते रहते हैं। होठों पर सूजन कई वजह से हो सकती है, जैसे कि चोट, संक्रमण, एलर्जी या इससे भी गंभीर स्थिति में तब होती है जब होठ सूज जाते हैं और कुछ घंटों के भीतर ठीक नहीं होते, तो उनकी जांच कराने की सलाह दी जाती है। होठों पर मुहासे चेहरे और शरीर के बाकी हिस्सों पर होने वाले मुहासों की तरह ही होते हैं। ये तब होता है जब रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और उनमें अतिरिक्त तेल और मृत त्वचा की कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। होठों का फटना ज्यादातर विटामिन ए लेने से या कुछ दवाएं लेने की वजह से हो सकता है। तो आइए जानते हैं होठों की सभी समस्याओं का आयुर्वेदिक इलाज। टमाटर का रस पीने से होठों की रंगत बढ़ती है। पिंक लिप्स पाने के लिए टमाटर का रस होठों पर लगाया भी जा सकता है। आधा चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर होठों पर लगाए। अगर चुकंदर का रस नियमित रूप से होठों पर लगाया जाए तो कुछ ही दिनों में होठ लाल हो जाएंगे। एलोवेरा जेल लगाने से भी होठ कोमल रहते हैं। रात भर चिरौंजी भिगोए, फिर सुबह उन्हें दूध के साथ पीस कर होठों पर लगाए। होठों की खूबसूरती देखते ही बनेगी। पत्तों पर पड़ी सुबह की ओस होठों पर लगाने से होठ खूबसूरत बनते हैं। टमाटर, नींबू का रस और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर रात को सोते समय होठों पर लगाकर सोए। मक्खन में केसर पीसकर लगाने से भी होठों की खूबसूरती बढ़ती है। रात में सोने से पहले टमाटर के रस से बने आइस क्यूब से होठों पर धीरे धीरे मसाज करें। ऐसा करने से होठ मुलायम हो जाते हैं। खीरे की फाक, संतरे की फाक, मौसमी की फाक, इनमें से कोई भी एक लेकर आप होठों पर नियमित रगड़ने से होठों की त्वचा सुंदर व मुलायम बनती है। रात को सोते वक्त होठों पर जैतून का तेल या शुद्ध नारियल का तेल लगाने से भी होठ मुलायम बने रहते हैं। जैतून या नारियल के तेल में पाए जाने वाले तत्व होठों की त्वचा को मुलायम व सुंदर बनाते हैं। केसर को दूध की मलाई में रगड़कर रात में होठों पर लगाएं। होठ फटने पर वैसलीन या किसी अच्छी कंपनी का लिप बाम भी लगा सकते हैं। नियमित पानी पीने की आदत डाल लें। हर रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है। शहद और देसी घी लगाने से भी फटे होठों को आराम मिलता है। अगर होठों पर घी लगाना आप नहीं चाहते हैं तो रात को सोते समय घी हल्का गर्म करके नाभि में लगाएं। इससे भी होठों पर गुलाबी रंगत आती है। रात में सोने से पूर्व ग्लिसरीन में लाल गुलाब की पत्तियां पीसकर होठों पर लगाएं। दूध की मलाई में हल्दी मिलाकर मथ लें। यह पेस्ट रात को होठों पर सोते समय लगाएं। होठों को मुलायम बनाने के लिए हमेशा नहाने के बाद नाभि की सरसों के तेल से मालिश करें। ज्यादा ठंड या गर्मी में होठों को ढक कर रखें। ये कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने से आप होठों का बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और अर्न आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें।